दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी और सेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत के बीच बैठक, बॉर्डर पर तनाव को लेकर बातचीत। अगवा पायलट को लेकर भारत ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी। भारत ने पाकिस्तान को अगवा पायलट को लौटाने को कहा। भारत ने कहा जेनेवा संधि का उल्लंघन कर रहा है पाकिस्तान। पायलट को मीडिया के सामने पेश करना जेनेवा संधि का उल्लंघन। भारत ने पायलट को लेकर पाकिस्तान की कार्रवाई पर सवाल पूछा, कहा पायलट को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के डिप्टी हाई कमिश्नर सैयद हैदर शाह को तलब किया। कश्मीर में पाकिस्तान के विमानों की घुसपैठ को लेकर फटकार लगाई। भारत ने नाकाम किया पाकिस्तानी वायुसेना का हमला। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी विमान F-16 ने घुसपैठ की कोशिश की। राजौरी के लाम में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के विमान को मार गिराया। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया। रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर गोलीबारी की। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने भारत से शांति की अपील की, कहा जंग किसी के हित में नहीं। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के बाद सीमा पर अलर्ट। राजस्थान गुजरात और पंजाब बॉर्डर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। कूटनीति के मोर्चे पर भी पाकिस्तान हारा। RIC बैठक में चीन और रूस ने आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों पर कानूनी कार्रवाई करने को कहा। वित्त मंत्री अरुण जेटली की पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी, कहा अमेरिका ओसामा को मार सकता है तो भारत क्यों नहीं कर सकता वैसी कार्रवाई। पाकिस्तान के साथ सीमा पर तनाव के बीच विपक्ष ने दिखाई एकता, एक सुर में सरकार के साथ होने की बात कही। सीमा पर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने पर देश भर में जश्न। वाघा बॉर्डर पर लोगों ने तिरंगा लहराकर नारे लगाए। राजस्थान की सरहद पर हाई अलर्ट। CM अशोक गहलोत के आवास पर हुई हाई लेवल मीटिंग। बैठक में वर्तमान हालात पर लिया गया फीडबैक। भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव के बाद हाई अलर्ट पर हिमाचल। मुख्य सचिव ने आला अधिकारियों को हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखने के दिए निर्देश। लोगों से अफवाहों से बचने की अपील। चंडीगढ़ में सुरक्षा के लिहाज से हाई अलर्ट जारी। शहर में आने वाली हर गाड़ी की जा रही है चेकिंग। कनाडा में भारतीय मूल के सांसद गुलाब सिंह सैनी ने पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय कार्रवाई को ठहराया जायज। पुलवामा आतंकी हमले की निंदा की। राजस्थान के एक परिवार ने बच्चे का नाम रखा मिराज। पाकिस्तान के बालाकोट में मिराज विमान ने की थी बमबारी। जम्मू कश्मीर के शोपियां में मारे गए जैश के 2 आतंकी। CRPF सेना और पुलिस का साझा ऑपरेशन। यूपी के महाराजगंज से सटे भारत नेपाल की सीमा पर अलर्ट। पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में हाई अलर्ट। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के स्लीपर सेल के सक्रिय होने की आशंका। एयर स्ट्राइक के बाद यूपी का मुजफ्फरनगर भी अलर्ट पर। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और दूसरे संवेदनशील जगहों पर चेकिंग अभियान चलाया गया। पाकिस्तान में किए गए एयर स्ट्राइक को लखनऊ में भूतपूर्व सैनिकों ने सराहा, कहा पाकिस्तान को इस तरीके से जवाब देना चाहिए। ग्वालियर के अलग अलग इलाकों में रेकी करते दिखा एक संदिग्ध। कई जगह CCTV फुटेज में भी कैद हुआ संदिग्ध। जनता से पुलिस की अपील, अफवाह से रहें दूर, संदिग्ध की दे सूचना। भारत पाकिस्तान में तलखी के बीच भोपाल में पूजा पाठ। नौ दुर्गा मंदिर में हो रहा महामृत्युंजय जाप। देश के सैनिकों की सलामती की मांगी गई दुआ। पाकिस्तान में आतंकियों के खिलाफ एयर स्ट्राइक में मध्य प्रदेश का रहा योगदान। जबलपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से गए थे पाउंडर बम। फैक्ट्री के कर्मचारियों में खुशी का माहौल। यूपी के भदोही में अवैध पटाखा कारोबारियों के खिलाफ सरकार सख्त। अवैध पटाखों के साथ 2 युवक गिरफ्तार। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में जमकर हुई बर्फबारी। बर्फबारी से लोगों के चेहरे खिले, तापमान में आई गिरावट। छत पर 10 लाख की गई, पहले विधायकों को मिलते थे सिर्फ 3 लाख रुपए। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह को मिलेगा APJ अब्दुल कलाम अवार्ड। 13 साल मुख्यमंत्री रहते सुशासन और बेहतर खोज आइडिया के लिए मिलेगा सम्मान। गुरुवार को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू देंगे अवार्ड। मध्य प्रदेश के अफसरों के साथ CM कमलनाथ की मीटिंग। सभी कलेक्टर्स और कमिश्नर्स बैठक में हुए शामिल। कर्ज माफी, पेयजल आपूर्ति समेत कई मुद्दों पर चर्चा। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में आंगनबाड़ी केंद्रों के विकास के नाम पर घोटाला। कलेक्टर ने जाँच कराने के लिए टीम का किया गठन।
डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने वाले शहरों में भोपाल अव्वल। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिया अवार्ड। निगम कमिश्नर बी विजय दत्ता ने लिया पुरस्कार। लोकसभा चुनाव को देखते हुए छिंदवाड़ा में सीएम कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ से संभाला मोर्चा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को किया संबोधित। भोपाल के कोलार इलाके को फिर से नगर पालिका बनाए जाने का विरोध। भोपाल महापौर आलोक शर्मा ने सरकार के फैसले के खिलाफ कोर्ट में जाने की दी चेतावनी। उज्जैन के अनादि कल्पेश्वर महादेव मंदिर के पुजारी का अश्लील वीडियो वायरल। मंदिर प्रशासक ने पुजारी को किया निलंबित। कुंभ में पीएम मोदी ने जिन 5 सफाई कर्मियों का पांव धोकर किया सम्मान, उन सफाई कर्मियों में कोरबा की ज्योति भी शामिल। अब कोरबा में भी ज्योति के स्वागत की तैयारी। मध्य प्रदेश के दमोह में अज्ञात बदमाशों ने चाकू से हमला कर 3 लोगों को किया घायल। घायल युवकों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में किया गया भर्ती। राजनांदगांव में सर्चिंग के दौरान भारी मात्रा में नक्सलियों का सामान जब्त। आरोपियों के पास से 2 राइफल और बड़ी तादाद में दैनिक उपयोग का सामान बरामद। ग्वालियर में तेज बारिश के साथ ओले गिरने से फसलों को काफी नुकसान, किसानों की बड़ी मुश्किल है। मध्य प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर से ली करवट। भोपाल में हल्की बारिश और बूंदाबांदी से बड़ी ठंडक। बिहार के नालंदा में सीएम नीतीश कुमार ने की तोहफों की बारिश। 3 योजनाओं का उद्घाटन और 66 योजनाओं का किया शिलान्यास। कहा, काम में विश्वास रखने वाली सरकार विकास की राह पर अग्रसर है। बिहार में किसानों को कर्ज देने में आनाकानी करने वाले बैंकों पर होगी कार्रवाई। बैंकर्स की बैठक में डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने अधिकारियों को दी लापरवाही से बाज आने की नसीहत। कहा, कर्ज लेने वाले किसानों को लोन देना ही होगा। बिहार के छपरा में इलाहाबाद बैंक के कैश वैन में फिल्मी स्टाइल में लूट। 48 लाख रुपए लेकर लुटेरे फरार। फायरिंग के दौरान ड्राइवर को लगी गोली। 3 बाइक पर सवार 6 बदमाशों की करतूत। झारखंड की उपराजधानी दुमका में नक्सलियों की साजिश नाकाम। भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। झारखंड के बोकारो में जरीही ब्लॉक के नाजिर घूस लेते हुए गिरफ्तार एसीबी की टीम ने 14,000 रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़ा। बिहार के सहरसा में प्रसूता की मौत के बाद परिजनों ने किया हंगामा। स्वास्थ्य कर्मियों पर लापरवाही का आरोप। बिहार के दरभंगा में पुलिस कस्टडी में मौत के बाद हंगामा। लोगों ने सड़क पर जाम लगाकर जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की। बिहार के वैशाली में फौज में बहाली के लिए दौड़ने गए एक युवक की गोली मारकर हत्या। अज्ञात अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। बिहार के दानापुर में गैस वेंडर की गोली मारकर हत्या। इससे पहले आरोपियों ने दुकानदार से मारपीट भी की थी। पटना सिटी में एक बुजुर्ग की संदिग्ध हालत में मौत। परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप। बिहार के भोजपुर जिले में बेखौफ अपराधियों ने एक युवक की सरेआम गोली मारकर हत्या की। मामला दर्ज कर छानबीन में जुटी पुलिस। बिहार के कटिहार में भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद। पैसेंजर ट्रेन में उत्पाद विभाग ने मारा छापा। पटना के गांधी मैदान में 3 मार्च को होने वाली संकल्प रैली में बम विस्फोट की धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार। आरोपी उदयन राय को पटना पुलिस ने कोतवाली थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया। झारखंड के गिरिडीह में अपराधी बेखौफ एक युवक को सरेआम गोली मारी। युवक की हालत गंभीर। झारखंड के गढ़वा में एक सन की बेटे ने अपनी ही मां को केरोसिन तेल छिड़क कर किया आग के हवाले। इलाज के दौरान महिला की मौत। झारखंड के गिरिडीह में कोयला चोरों पर बड़ी कार्रवाई। छापेमारी से कोयला तस्करों में हड़कंप।